जैन प्यारे छात्रों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है बेटा सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था एसिड सॉइल, एसिड सॉइल किसे कहते हैं और एसिड सॉइल कैसे बनता है, उसका बनने का कारण क्या है और एसिड सॉइल कैसे हम सुधार सकते हैं, बिंदुओं पर हम चर्चा किए थे। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि लवणीय और क्षारीय मृदा। तो लवणीय और क्षारीय मृदा सलाइन अल्कलाइन सॉइल, इसको हम इंग्लिश में सलाइन अल्कलाइन सॉइल, हिंदी में इसको लवणीय और क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में उसको ऊसर के नाम से जानते हैं। ऊसर शब्द ये संस्कृत भाषा की उष्ट्रा से लिया गया है। उष्ट्रा का अर्थ होता है ऊसर, जो एक बहुत पॉपुलर शब्द है। एक इसका और बहुत पॉपुलर शब्द है बंजर, बंजर के नाम से भी ऊसर या बंजर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया कि आपको लवणीय क्षारीय के नाम से भी जानते हैं बेटा, बहुत सारे क्षेत्र में इसको रेह के नाम से भी जानते हैं। बहुत कहते हैं कि रेह मृदा के नाम से जानते हैं इसको। जैसे पंजाब में इसको थर के नाम से जानते हैं और राकर के नाम से जानते हैं। बहुत क्षेत्रों में इसको बारा और बारी के नाम से जानते हैं और इसको कल्लर और चोपन के नाम से, महाराष्ट्र वगैरह में इसको चोपन के नाम से जानते हैं। तो बेटा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। खासकर अपने पूर्वांचल में इसको उजर ऊसर या बंजर के नाम से या रेह के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग ऊसर ही जानते हैं। तो बेटा आज मैं करते हैं कि पूरे देश में ये ऊसर मृदा किन राज्यों में कितने मात्रा में क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर थोड़ा सा एक टेबल आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टेट और एरिया अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम एरिया इन लाख हेक्टेयर में है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर सबका कॉलम बेटा बना है कि अल्कलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल, एसिड सॉइल बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में टोटल कितना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्कलाइन सॉइल किसमें, आंध्र प्रदेश में 1.94 लाख हेक्टेयर, ये बेटा टोटल जो डाटा है ये लाख हेक्टेयर में है। उसके बाद में सलाइन इसमें 0.6, एसिड सॉइल यहाँ पर 0.01 लाख हेक्टेयर, कुल मिलाकर के टोटल इसमें 2.55 लाख हेक्टेयर एरिया ये आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं कि अफेक्टेड हो सकता है। बिहार में भी वही चीज़, अल्कलाइन 1.06 लाख, सलाइन में 0.4 और एसिड में 0.41। इसके बाद में आपका टोटल यहाँ पर भी 1.87 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद में गुजरात में भी देखेंगे कि अल्कलाइन सॉइल, अभी हम बाद में चर्चा करेंगे कि अल्कलाइन क्या है, सलाइन क्या है, एसिड क्या है। एसिड के बारे में तो कल जान लिए थे कि वह मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है या आप कह सकते हो 6.5 से कम ही रहता है, उसको हम एसिड सॉइल के नाम से जानते हैं। तो गुजरात में अल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा है, इसका एरिया 5.45। इसमें देखेंगे सलाइन सॉइल के एरिया अल्कलाइन से भी ज़्यादा है, यहाँ पर 15.59 लाख हेक्टेयर। एसिड का है यहाँ पर बेटा 0 और टोटल 21.04 लाख हेक्टेयर ये इसका एरिया है। ऐसे आपका हरियाणा, उसके बाद में यहाँ पर केरला। आपको कल एसिड सॉइल जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो नम जलवायु वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एसिड सॉइल, मतलब उन राज्यों में भारत के पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उन राज्यों में एसिड सॉइल की मात्रा ज़्यादा होगी, और उत्तरी जहाँ पर बारिश कम होता है उन राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका सलाइन और अल्कलाइन सॉइल का कंडीशन रहेगा। तो केरला में आप देख सकते हैं कि एसिड सॉइल ये 24.48 लाख हेक्टेयर है। ऐसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में बिल्कुल सामान्य एसिड सॉइल यहाँ पर है। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में और फिर पंजाब,
पंजाब के पास अगर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल है जो 13.2 लाख है, और उसके बाद में फिर स्लाइन इसमें 0.22 है एसिड सॉयल ना के बराबर, उसके बाद में फिर टोटल 13.42 लाख हेक्टेयर ये टोटल कह सकते हैं कि साल्ट अफेक्टेड सॉयल में आता है। तो ये तो था बेटा एक इसका पूरे देश का डाटा, जहाँ पर प्रमुख तौर पर आप कह सकते हैं कि साल्ट किस स्टेट में, किस में स्लाइन सॉयल ज़्यादा है, किस में एल्कलाइन सॉयल है और किस में एसिड सॉयल है। इसके बाद करते हैं कि सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल इस टेबल में आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल कहाँ पर बेटा, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एल्कलाइन सॉयल पाया जाता है। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सलाइन सॉयल किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यहाँ पर आप स्लाइन कंडीशन में देख सकते हो सबसे ज़्यादा है कि 15.59 लाख हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेटा, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्लाइन सॉयल किस राज्य में है, तो किसमें है, गुजरात में है 15.59 लाख हेक्टेयर। ये एरिया क्या है, यहाँ पर आपका स्लाइन सॉयल के कंडीशन में आता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मतलब इन विच स्टेट हाईएस्ट एसिड सॉयल, तो सबसे ज़्यादा एसिड सॉयल, अब बेटा एसिड सॉयल के कॉलम में आ जाइए तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है 24.8, कहाँ पर है ये, केरला में। तो केरला में सबसे ज़्यादा एसिड सॉयल, केरला में सबसे ज़्यादा एसिड सॉयल का एरिया है जो 24.48 लाख हेक्टेयर एरिया में ये फैला है प्रमुख तौर पर, ये आप जान सकते हैं। तो टोटल अगर देखें कि प्रॉब्लम सलाइन एल्कलाइन और एसिड ये सॉयल लगभग 24.36 मिलियन हेक्टेयर, ये पूरे देश में मतलब सलाइन एल्कलाइन सलाइन और एसिड तीनों कंडीशन मिला देंगे तो लगभग 24.36 मिलियन हेक्टेयर एरिया लगभग ये प्रभावित है। ऐसे आपका टोटल अगर देखेंगे कि एल्कली सॉयल एरिया इन इंडिया तो 3.70 मिलियन हेक्टेयर है, और इस तरीके से अगर एल्कलाइन में स्लाइन में देखेंगे तो 2.73 है, एल्कलाइन में 3.70 है, और एसिड में सबसे ज़्यादा एसिड है जो 17.93 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो प्रमुख तौर पर एसिड सॉयल से प्रभावित है पूरे देश में। ये तो था बेटा स्लाइन और एल्कलाइन सॉयल का डाटा जिसमें प्रमुख तौर पर ये पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि देखते हैं कि लवणीय और क्षारीय मृदा बनने का कारण क्या है, मतलब किस कारण से मिट्टी लवणीय और क्षारीय बनती है, उसका काजेज क्या है। कल इस पर हम लोग एसिड सॉयल पर भी थोड़ा सा चर्चा किए थे और आज हम लोग लवणीय और क्षारीय मृदा पर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लगातार धनाधन शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट ठोकते रहिए, अपना देखिए और अपनों को भी दिखाइए। लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें लवणीय क्षारीय मृदा बनने का कारण क्या है, एक एक भाई बिना कारण के तो कोई बीमारी होती नहीं। कल एक लड़का पूछ रहा था कि सर जो आप एसिड सॉयल पढ़ाए हैं तो एसिड क्या लाभकारी है या हानिकारक है, तो बेटा हद से ज़्यादा एसिड या वो एल्कलाइन चाहे वो सलाइन, लवणता क्षारता अम्लता ये सब हानिकारक है, लेकिन अगर एक ये सामान्य स्थिति में है तो ये इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है।
मतलब कोई भी अगर आप खाद्य पदार्थ उसको एक लिमिट में खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए लाभकारी है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा उसको खाएंगे तो वही चीज़ आपके शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए लाभकारी और हानिकारक में एक चीज़ ये भी बताएं कि किस स्टेज के बाद ये हानिकारक होगा और किस स्टेज से किस स्टेज के बीच में ये लाभकारी के रूप में रहेगा, मतलब इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि शुष्क जलवायु होता क्या है, क्या आएगा बेटा, शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु के कारण इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे जब शुष्क जलवायु होता है और तापक्रम अधिक होता है तो तापक्रम अधिक होने से जो बिलीय लवण होते हैं उनका संचय होने लगता है और फिर धीरे धीरे उनका संचय होने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण के द्वारा ये लवण ऊपर आ जाएंगे। कैसे आएंगे देख लीजिए, जैसे सपोज करिए कि एक सॉयल का लेयर है या एक मिट्टी का लेयर है और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से लगे हुए हैं, ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो सनलाइट के इफेक्ट पड़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। वेपोरेशन होगा मीन्स ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, सटे हैं। तो जब यहाँ पर वाटर का लॉस होगा किस फॉर्म में होगा, वाष्प के रूप में, मीन्स वेपर फॉर्म में होगा। तो वेपर फॉर्म में होगा तो यहाँ से जो सरफेस तक वाटर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा, यहाँ तक क्या होगा, सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा। और यहाँ से वाटर का तो लॉस हो जाएगा लेकिन जो साल्ट है, जो आयन है, ये सतह पर ही रह जाते हैं, ये सतह पर ही आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरीके से लगातार ये सतह पर आकर के इकट्ठा होते रहते हैं। इसलिए सरफेस पे इन लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है और अधिक होने से आप कह सकते हैं कि मिट्टी आगे क्या होती है, लवणीय या क्षारीय बन जाती है, ये स्थिति आता है। तो शुष्क जलवायु के कारण भी ये स्थिति होता है, या बहुत अधिक समय तक लवणीय जल से सिंचाई, बहुत अधिक समय तक लवणीय जल से सिंचाई, अगर लवणीय जल से काफ़ी समय तक अगर सिंचाई करते हैं तो ये भी प्रभावित करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर जैसे नहर से सिंचाई ज़्यादा होता है, अगर नहर से ज़्यादा सिंचाई होता है तो उसमें लगातार, तो उससे ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि अम्ल और क्षार उसमें ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, ये भी एक समस्या बन जाती है। या लगातार ज़्यादा सिंचाई करने से भी क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठ जाता है और वाटर लेवल ऊपर उठने से उसमें वाटर लेवल जब ऊपर उठेगा तो सभी अंश क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, इस तरीके से भी लवणता और क्षारता ज़्यादा हो सकता है। या फिर जल निकास में कमी, पॉइंट इसमें भी बेटा आ जाता है कि जल निकास में कमी, तो जल निकास में कमी के कारण भी हो जाता है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आसानी से हम वाटर को निकालने, मतलब जो तराई क्षेत्र हैं, जल निकास नहीं हो पाता है, तो जल निकास जब नहीं हो पाता है काफ़ी समय तक यहाँ पर पानी भरे रहते हैं और भरने के बाद जब ये वाटर सूख जाते हैं, जैसे कहने का अर्थ क्या है कि ये क्षेत्र है जहाँ पर पानी आकर के भरा या ढाल है, तो ये काफ़ी एरिया से भी आप क्षेत्रों से ये लवणों को ला करके यहाँ एकत्रित किया तो वाटर का तो वेपर फॉर्म में लॉस हो गया, वो तो यहाँ से चला गया, लेकिन जो साल्ट है वो सतह के ऊपर ही आकर के एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार से मृदाएं लवणीय और क्षारीय बन जाती है। अगला होता है कि प्रोफाइल की कड़ी परत, प्रोफाइल की कड़ी परत, तो प्रोफाइल की कड़ी परत से भी हो जाता है। होता क्या है कि लगातार जैसे हैवी इम्प्लीमेंट्स के जुताई करने से या हल के तालू के रगड़ाई से
इन कारणों से क्या होता है कि एक कठोर परत बन जाता है, एक हार्ड लेयर बन जाता है एक लेयर के बाद, तो थोड़े समय तक तो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तुरंत फिर रुक जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब ये आयन लीच करके नीचे नहीं जा पाएंगे तो ये सतह पर ही आकर के एकत्रित होते रहते हैं, सतह पर ही आकर के ये इकट्ठा होते रहते हैं और इस कारण से भी हमारी मृदाएं लवणीय और क्षारीय हो जाती हैं। ये भी एक पॉइंट। अगला है कि नेचर ऑफ पैरेंट मटेरियल, मतलब जो मूल पदार्थ हैं, जो मिट्टी के मूल पदार्थ हैं, उन मूल पदार्थों की प्रकृति से भी होता है। जैसे कुछ मूल पदार्थ हैं तो इन पदार्थों की प्रकृति से भी होता है। जैसे सपोज करिए कि मिट्टी के निर्माण में विभिन्न खनिजों से होता है और अगर वो खनिज ज़्यादा क्षारीय है तो उससे क्षारीय मृदा, अगर वो लवणीय प्रकृति का है तो लवणीय मृदा। इस तरीके से पैतृक पदार्थ के कारण भी मृदाओं में कह सकते हैं कि लवणीय क्षारीय स्थिति बन जाती है। ये अगला होता है कि अधिक क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। किसान क्या करता है, कभी कभी लगातार अधिक क्षारीय उर्वरक का उपयोग कर देता है और उसके उर्वरक से भी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, और अगर आप सोडियम नाइट्रेट का ज़्यादा मात्रा में काफ़ी समय तक अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उससे भी मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो नाइट्रेट तो प्लांट को प्लेबल हो जाएगा, लेकिन जो सोडियम होता है ये सॉइल के कोलाइड पर एडजॉर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से क्षारीयता धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। तो लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने से भी हमारी मृदा क्षारीय हो जाती है। अगला होता है हल्के तालुकी रगड़ाई से। जैसे मान लीजिए आप खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करने से जो हल्का जो तालू होता है नीचे रगड़ के चलता है, वह रगड़ेगा नहीं तो ज़्यादा गहराई तक जुताई कर देगा, तो इसलिए हल्के तालू की जो रगड़ाई तो उससे भी एक कठोर परत बन जाती है और इस वजह से भी लीचिंग नहीं हो पाता है। मतलब नीचे आयन जाने में, लवण जाने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है और इस प्रकार से भी हमारी मृदाएँ लवणीय क्षारीय बन जाती हैं। अगला होता है कि लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण, ये तो कारक हो गए कि काजज हो गए। अगला क्या है, निर्माण, किस तरीके से निर्माण होगा। देखो बेटा, निर्माण में इसमें चार प्रवस्थाएँ होती हैं, इसमें मिलाकर के चार फेज होता है। पहले प्रथम फेज में क्या होता है कि जो भी साल्ट होते हैं उन साल्टों का एकत्रीकरण होता है, सरफेस पे आकर के साल्ट क्या हो गए, वहाँ पर एकत्रित होंगे और एकत्रित होने के बाद फिर वो क्षारीय आयनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्षारीय आयनों का निर्माण करते हैं, और फिर तीसरे में लीचिंग के द्वारा वो आपस में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, और फिर चौथी पर जो उसका फोर्थ स्टेज होता है उसमें फिर उसका आपस में निम्नीकरण होने लगता है, मीन्स पूरा वो आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चार प्रवस्थाएं लवणीय क्षारीय मृदा बनने की होती हैं। फिर आगे 1951 में कैली नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने इसके निर्माण के लिए अलग अलग प्रवस्थाओं का वर्णन किया। जैसे इसमें है, सबसे पहला है लवणीकरण, स्लाइनाइजेशन। क्या बेटा, लवणीकरण, स्लाइनाइजेशन, तो नाम से ही है स्लाइनाइजेशन। तो इसमें कई सारे कारण इसके हो सकते हैं, जैसे जब अग्नेय चट्टानों से मुक्त जो लवण हैं ये प्रमुख तौर पर, जैसे इसमें अलग अलग या सूक्ष्म क्षेत्रों में हवा द्वारा लाए गए जो सैंड स्टोन, इन सब में भी क्या होती है, या फिर जो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद इसमें बहुत सारे क्लोराइड या सल्फेट, खासकर क्लोराइड या सल्फेट या सिलिकॉन,
या वाष्पीकरण के द्वारा कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, या वाष्पीकरण होता, मैंने अभी आपको बताया था वाष्पीकरण, मतलब जितने रीजन बताए कारण होने के। इस तरीके से सरफेस पे आकर के सभी आयंस वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या कैल्शियम सल्फेट के रूप में CaCO3 या CaSO4 इस रूप में क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता हो जाते हैं कि कम्बलीय हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ से ये लीच हो जाते हैं, और लीच होने के बाद फिर यहाँ पर सोडियम आयन आकर के एडजॉर्ब होने लगते हैं। अम्लीयकरण के बाद फिर होता है क्या बेटा, मतलब इनकी विलयता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अब दूसरा चीज आता है क्षारीयकरण, भाई अम्लीयकरण हो जाएगा, अम्लीयकरण की फिर क्षारीय, मतलब उसमें जो क्षार के आयंस हैं वो आकर के इसमें क्या होते हैं, क्षारीयकरण, जो क्षार के आयंस हैं वो आकर के इसमें एकत्रित होने लगते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जब भस्म के विनिमय की क्रिया में कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये सभी धनायनों के साथ सोडियम के साथ ये क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है, उस पर आकर के एकत्रित हो जाता है, जिससे जैसे जैसे सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ती है और वो कैल्शियम आयन या अन्य लौणों को वहाँ से विस्थापित करता है, इस तरीके से मिट्टी में धीरे धीरे करके क्षारीयता बढ़ती हुई चली जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ये कोई क्ले का पार्टिकल्स है, इसके ऊपर क्या है, कैल्शियम क्या है, एडजॉर्ब है। अब कैल्शियम एडजॉर्ब है, अब इस पर क्या हो कि सोडियम, अब सोडियम क्या करेगा कि क्ले है, अब ये सोडियम क्या करेगा कि क्ले को विस्थापित कर देगा, और अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सोडियम आयन आकर के विस्थापित हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और जैसे जैसे क्ले के ऊपर सोडियम आयन विस्थापित होता रहेगा उसी तरीके से क्षारीय मृदा का निर्माण लगातार होता रहता है, और इस तरीके से मृदा में क्षारीयता बढ़ती रहती है। अगला होता है निम्नीकरण, गैसी को बोलते हैं बेटा डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का भी एक मैंने पूरा एक लैंड डिग्रेडेशन पर एक वीडियो ही बना दिया था, आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लैंड डिग्रेडेशन का एक वीडियो मिल सकता है। तो ये भी होता है बेटा निम्नीकरण, किसमें डिग्रेड कैसे होगा, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सोलो डाइजेशन, क्या बोलते हैं, सोलो डाइजेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, तो यह भी एक प्रक्रिया है सोलो डाइजेशन का। तो सोलो डाइजेशन में क्या होता है कि जो अत्यधिक लवण जैसे कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट ये धीरे धीरे करके लीच आउट करके क्या होते हैं, निचले सतह पर चले जाते हैं, और जब ये लीच आउट करके निचली सतह पर चले जाएंगे और इसमें सोडियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकी विलयता बढ़ती रहती है, और इस प्रकार से हमारी मृदा क्षारीय हो जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे ये क्ले पार्टिकल्स हैं और इस क्ले पार्टिकल्स पर क्या है, सोडियम यहाँ पर एडजॉर्ब है, सोडियम क्या है यहाँ पर एडजॉर्ब है, अब और पॉइंट में कैल्शियम भी प्लस किसके साथ क्या होगा, जल आकर के मिलेगा, तो जल जब आकर के जल इससे मिलेगा तो ये क्ले है, तो ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करेगा, सॉरी सोडियम को विस्थापित करेगा, और सोडियम को विस्थापित यहाँ से कर देगा, तो सोडियम विस्थापित होकर के ये कैल्शियम या यहाँ पर ये कैल्शियम भी निकल जाएगा, और उसके बाद में क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में यहाँ से ये विस्थापित हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे लीच आउट हो जाता है, और लीच आउट होकर के जैसे सोडियम कार्बोनेट ये धीरे धीरे करके निचली अवस्थाओं में चला जाता है। अगला होता है रीडिग्रेडेशन, जिसमें एक बार अगर निम्नीकरण हो चुका है और पुनः उसके ऊपर आकर के क्षार एकत्रित होने लगते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं, मतलब क्षार अगर पुनः बनने लगा, कोई कारण ऐसा हुआ जिससे क्षार पुनः बनने लगता है
तो उसी को हम रीडिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा इसमें चार प्रावस्थाएँ होती हैं। पहले में क्या हुआ, नमक एकत्रित हुआ। दूसरे प्रावस्था में क्या हुआ, वो आपस में मिलता है। तीसरे में क्या होता है कि वो एक दूसरे से निम्नीकरण कर लेते हैं, मतलब कुछ उसमें विस्थापित करके और जल के साथ क्रिया करके वहाँ से वो लीच आउट कर जाते हैं। और फिर रीडिग्रेडेशन पुनः निम्नीकरण होता है, इससे मतलब कि पुनः आकर के सोडियम आयन वहाँ पर विस्थापित या क्षार या जो भी सोडियम के लवण की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो था कि लवणीय क्षारीय मृदा बनने के कारण और कौन कौन सी इसके लिए अवस्थाएँ, ये चीज़ चारों फेज के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है कि पौधों पर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, पौधों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दोनों पर भाई, पौधों पर भी और मृदा पर, दोनों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट ऑफ साल्ट, जो मृदा बिलियन से अधिक सांद्रता के कारण जो रसाकर्षण मतलब जो पौधों वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ये भी होता है। या वाटर के एब्जॉर्प्शन पे मतलब अगर साल्ट का अफेक्टेड 0.5% से ज़्यादा हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो प्लांट भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए पौधों में जल अवशोषण करने की दर धीरे धीरे करके कम हो जाती है, यह भी एक समस्या आती है। या जो कुछ व्यक्तिगत जो आयंस होते हैं उनका भी हानिकारक प्रभाव होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से भी पौधों पर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है और पौधे क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो ये सब प्लांट पर इफेक्ट है। ऑन सॉइल मृदा पर क्या पड़ेगा, तो मृदा की जो संरचना वो बिगड़ जाती है, मतलब जो सॉइल का स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर भी काफ़ी प्रभावित हो जाता है। या सॉइल में उसका स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर के बाद सॉइल की फार्मेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है, जिससे सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट वगैरह एरेशन वगैरह ये सब भी प्रभावित हो जाता है। अगला होता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, जो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज हो तो बिल्कुल धीरे धीरे करके शिथिल पड़ जाती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर या नाइट्रिफिकेशन ये सब क्रियाएँ भी नहीं हो पाती, जिससे पोषक तत्व तो या न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है। या सॉइल का एक कठोर परत हो जाता है, मतलब एक मिट्टी का एक हार्ड लेयर बन जाता है, हार्ड लेयर बनने से भी प्रॉब्लम। या फिर जो न्यूट्रिशनल डिस्टरबेंस हो जाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है और नाइट्रेट नाइट्रोजन है, क्योंकि भाई जब सूक्ष्मजीवाणु की क्रिया शिथिल पड़ जाएगी तो नाइट्रिफिकेशन क्रिया नहीं हो पाती है, तो इसलिए नाइट्रोजन युक्त तत्व हैं उनकी उपलब्धता घट जाती है। फास्फोरस के केस में भी होता है, जैसे पीएच बढ़ता है तुरंत फास्फोरस की अवेलेबिलिटी प्रभावित हो जाती है। कैल्शियम के साथ भी होता है कि कैल्शियम भी पौधे को सामान्य मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ये सब इसका एक अहम पॉइंट है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सलाइन और अल्कलाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल में अंतर क्या है, और फिर इसका रिक्लाइमेशन कैसे करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।